ये रखे मेरे शूज, तो इनमें अच्छे से यहाँ पे धूप लगती रहेगी। तो फ्रेंड्स आज संडे है तो आज मीठा भी मिला है। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के टाइम पे हम लोग वॉक कर रहे हैं। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे भैया जी बना रहे हैं रोटी। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज है संडे। तो अभी मैं जा रही थी पार्क घूमने के लिए क्योंकि आज मुझे कंपनी मिल गई है एक, तो मैं उनके साथ में जा रही हूँ पार्क। तो वो मेरा नीचे वेट कर रही है, तो अभी चलते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं पार्क में आ गई हूँ। तो सुबह के टाइम पे इधर पार्क में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी धूप नहीं निकली है, बढ़िया मौसम हो रहा है, तो अभी हम लोग घास में टहल रहे हैं। तो अभी हम लोग पार्क होके आए थे और अभी हम लोग इधर ही टहल रहे हैं थोड़ा सा। तो रास्ते में मुझे मंदिर भी दिखा, तो अभी धूप निकलने लगी है, अभी चलते हैं वापस। सो फ्रेंड्स अभी मैं नहा धो चुकी हूँ और आज मैंने हेयर वॉश भी करा है। तो अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट लेके आते हैं, क्या बना है देखते हैं। आज ब्रेकफास्ट में बना है पोहा। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ अपने शूज धोने के लिए क्योंकि जो शूज मैं पहनती हूँ बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं, तो अभी उनको धोना पड़ेगा क्योंकि गंदे शूज तो पहन के जा नहीं सकते हैं। ये है मेरे गंदे गंदे से शूज, तो इनके ऊपर पहले मैं डालने जा रही हूँ वॉशिंग पाउडर, पहले इसको गीला कर लेते हैं। सो अभी धूप में जा जाके ना मेरी स्किन काफी ज्यादा डैमेज हो गई है, तो अभी हम लोग करते हैं कुछ स्किन केयर। तो मेरे पास ना वो पील ऑफ मास्क है, तो वो मैं लेके आई थी, तो अभी मैं उसी को ट्राई करके देखती हूँ कि कैसा रिजल्ट आता है उसका। ये है मेरे पास एवरेथ वाला है, तो इसको लगा के देखते हैं। मास्क को अप्लाई कर लिया है, तभी इसको सूखने में 5 मिनट तो लगेंगे ही। और ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से दीदी को एक ही ब्रश मिला था, तो अब इसी से मैं अपने शूज़ को अच्छे से घिस दूंगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास ब्रश नहीं है, तो मैं कैसे अपने शूज़ को धोऊंगी अच्छे से। तो अभी दीदी ऊपर गई थी, तो उन्होंने ला के दिया कि ये ब्रश ऊपर ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसी को यूज़ कर लेंगे शूज़ धोने के लिए। ये देखिए मैंने अपने शूज़ अच्छे से घिस घिस के धो दिए हैं, तो ज़्यादा अच्छे से तो नहीं साफ कर पाई, बट जितना हो पाया मैंने उतना उसको क्लीन कर दिया है। शूज़ पहले से तो बेटर ही हो गए हैं और अभी ये भी सूख गया है, तो अभी इसको हटाती हूँ, फिर मैं शूज़ को ऊपर धूप में रख के आती हूँ। बहुत ही ज़्यादा तेज धूप है, तो मैंने अपने शूज़ रख दिए हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रखे मेरे शूज़, तो इनमें अच्छे से यहाँ पे धूप लगती रहेगी। और ये देखिए भाभी ने आज अपने सारे कपड़ों को धूप लगने के लिए यहाँ पे डाला है। आज लंच में बनी है मटर पनीर की सब्जी, चावल, और यहाँ पे भैया जी बना रहे हैं रोटी। अच्छा, जिसको पूड़ी खानी होगी भैया जी उसके लिए पूड़ी बना देंगे। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे भैया जी बना रहे हैं रोटी और उधर नेहा दीदी अपना पानी गर्म कर रही हैं। गर्म पानी पीकर दीदी को जुखाम है, इसलिए वो गर्म पानी पीती हैं। तो
फ्रेंड्स आज संडे है तो आज मीठा भी मिला है, तो आज मीठे में मिला है गुलाब जामुन। अभी टाइम हो गया है शाम की चाय का और उसके साथ में मैं खा रही हूँ स्नैक्स जो कि मैं लेके आई थी। तो फ्रेंड्स चाय पीने के बाद मैं फिर से छत पे ही आ गई हूँ। आज डिनर में है दाल और चावल, बस ये सिंपल सा खाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फ्रेंड्स मेरा ये वाला ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको ये वाला ब्लॉग मेरा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। ठीक है।